हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है संजना मीना ऑफिशियल चैनल में, जो आप लोगों का प्यारा सा चैनल है। मैं आपकी संजना मीना, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ, जैसे हमेशा नहीं लेके आती रहती हूँ। आपके सामने मैंने वीडियो शेयर भी कर दी दो तीन, जो हमारे फैमिली मेम्बर में नया मेहमान आया है उससे रिलेटेड। अब आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो लेके आई हूँ, उससे रिलेटेड ही है। हमारे घर में है एक फंक्शन, जो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, तो आपको पता चल जाएगा आज किस चीज़ का फंक्शन है हमारे घर पर। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब देवरानी को रेडी करने जा रहे हैं। हमारे घर में क्या की जाती है, कौन से फंक्शन होते हैं, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। ओके, तो फ्रेंड ये हम हमारे देवरानी को रेडी कर रहे हैं, और इसके जीजी लगा रही है महावर, क्योंकि मेहंदी हमने लगाई नहीं थी, ठंड का थोड़ा मौसम है तो बीमार हो जाएगी, इसलिए तो हमने महावर लगाई है, इससे ठंड नहीं लगेगी उसे। और इसको अभी रेडी करेंगे। इसके घर से जो कपड़े आए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कपड़े ये आज पहनने वाली है। फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ मेरी देवरानी के घर से जो कपड़े आए थे। भैया आए थे शाम को तो मैं वीडियो बना नहीं पाई, इतना सोचा नहीं, वो अचानक से आ गए इस वजह से। पर वो कपड़े लेके आए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है चुंदरी जो सिया के घर से रेड कलर की आती है, तो इस वजह से ये आप जब पहनेगी वो बहुत सुंदर लगती है इन कपड़ों में। और ये है लहंगा सूती में, और ये हैं हमारी मम्मी जी के कपड़े। अभी छोटा सा फंक्शन है, फिर जब बड़ा फंक्शन और करेंगे वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा नन्ना सा बाबू अभी सो रहा है, क्योंकि इसको नहला दिया आज, इस वजह से अभी तक सो रहा है, अभी जगह नहीं है। आगे भी आप वीडियो में बने रहिए, आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। मैं जा रही हूँ बुलावा देने लुगाइयों को, तो कविता जी जी आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, बुला रहे हैं। हाँ झाड़ू काढ़िया आ जाओ। और फ्रेंड्स मैं बुलावा देके आ चुकी हूँ, और लेडी से आ चुकी है घर पर, और ये मैं पूज रही हूँ। अब मांडली की तैयारी कर रहे हैं हम, मांडल पूजने की। तो ये चून से बनाया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर रखा जाएगा कलश, गेहूँ नीचे रख के फिर कलश रखा जाएगा, फिर हमारे देवरानी को यहाँ पे बैठाया जाएगा, फिर मांडली की तैयारी होगी। तो फ्रेंड्स मांडला जब ज़्यादातर पूजा जाता है जब किसी का कुआ लेट निकले, जैसे 7 दिन का कुआ निकल गया, 15 दिन का निकल गया, तो उसमें मांडले की ज़रूरत नहीं है। पर जब मांडले की ज़रूरत जब पड़ती है, जब कुआ लेट निकला, मेरी देवरानी का कुआ निकला है अप्रैल में, तो इस वजह से हमें लेट कुआ लेट निकलने के कारण हमें मांडला पूजना पड़ रहा है। तो ये कलश मैं ले आई हूँ, कलश को वहाँ मैं आगे रख दूँगी जहाँ पर मैंने चून से बनाया था। तो ये देखिए, और अब हमारी देवरानी को यहाँ पे बैठाया जाएगा, तो हम देवरानी को लेने जा रहे हैं। ये मेरी देवरानी रेडी हो चुकी है, जो ये कपड़े हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाए भी हैं, ये मेरी देवरानी के घर से कपड़े आए हैं। और ये मेरी जेठानी का लड़का है, हमारे इधर रिवाज है पल्ला पकड़ के वहाँ पर बैठाया जाएगा और पल्ला पकड़ के उठाया जाएगा। तो अभी इसका तो कोई देवर नहीं है, मेरा देवर था तो उन्होंने पकड़ा था, और देवर नहीं होता तो बेटा पकड़ लेता है, जेठानी का लड़का जो होता है वो, तो इसलिए बिट्टू हमारे पकड़ के अपने चाची को लेके जा रहा है, वहाँ पर बैठा देगा। और फ्रेंड्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम तीनों की ड्रेसेस आप लोगों को कैसी लगी, तो कमेंट्स में जरूर बताना। ये हमारी चिल्ड्रन पार्टी, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे 4 बच्चे हैं, और ये तो बहुत खुश है अपने भाई के आने से, क्योंकि सारे दिन इसके साथ खेलने को मिलता है। तो आप देखिए ये, और आप लोगों को मैंने बताया ये मेरी देवरानी का ऑपरेशन से हुआ है बच्चा, तो इसे बहुत परेशानी हो रही है, पर हम बहुत ध्यान रख रहे हैं बस।
लखड़िया तो खड़िया ये मुझे आगे लगा जो चाची का तलब लगा था ये नहीं है ये नहीं ये वाली बेटा ये वाली ये वाली देख गया भैया हां नहीं गया दूसरी कह दिया और यहां अब लगा दे नहीं रहने उसको जैसा आ रहा है वैसा करने दो अब आओ जैसे कर दे ये खा गए ये चावल फेंक दे माल तो दो बगैर दर सा हां तो कुछ गया चावल दो Thank you.